नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंडार। इस बार साइंस एकेडमी और मेरा भंडार महानगर पालिका के एक्स डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत के माध्यम से मेरा भंडार शहर के स्कूलों का एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है, जिसमें करीब 4500 बच्चों ने हिस्सा लिया था और उन 4500 बच्चों में से 300 बच्चे जिन्हें काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, उन 300 बच्चे में से 10 बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें आज महाराष्ट्र राज्य के मंत्री रविंद्र चौहान, महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप बोले, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और एक्स डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत के हाथों उन 10 बच्चों को नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के पूरे कर्ता धर्ता एक्स डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत थे। इस दौरान हमने इन सभी मान्यवरों से बात की इस कार्यक्रम को लेकर। आइए हम जानते हैं कि क्या कहना है इनका। आज मैं खोज एप्टीट्यूड टेस्ट साइंस एकेडमी स्पार्क साइंस एकेडमी की तरफ से मेरा भाई अंदर के 30 स्कूल से ज्यादा स्कूलों में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर लगभग 4,500 बच्चों ने इसके अंदर सहभाग लिया था। ये साल पहला था इसके अंदर जो बच्चों का एग्जाम को जाने से पहले जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके कारण बच्चों लोग का 10th और 12th का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। जो बच्चे कोई पढ़ाई में उनके अंदर कमी है वो भी सुधारने का एक मौका मिलता है। जो अच्छे बच्चे जो होशियार है उनको जब अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं या बख्शिश देते हैं, उसके कारण उनका भी हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कौन से लेवल पे अपना बच्चा आगे जाके क्या क्या करेगा, एक कोच या अलग नाम से जो संस्था है उन्होंने बहुत अच्छा ये सोशल उपक्रम आयोजित किया था। इसलिए सब आने वाले एग्जाम के लिए सभी बच्चों लोगों को भी हम तहे दिल से बीइंग कमिश्नर ऑफ मेरा भाईंदर हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे। और साथ में जो कोच नाम का जो संस्था है इसके हसमुख भाई ने जो अच्छे तरह से उनको स्पॉन्सर किया था उसके कारण बच्चों लोग का हौसला बढ़ जाएगा, बच्चों लोग का तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। इसलिए ये ऑर्गेनाइज करने वाले हसमुख भाई और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ में बच्चों लोग को भी आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और मेरा भाईंदर मुंशुल कॉर्पोरेशन भी ये तरह की जो खोज नाम का जो अपडेटेड टेस्ट है इसी अगले साल से हम लोग भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगला साल जो मेरा भाईंदर मुंशुल कॉर्पोरेशन का भी 10वीं का पहला बैच होगा। तो इसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो मेरा भाईंदर मुंशुल कॉर्पोरेशन भी एक्सेप्ट करेंगे और वही लाइन पे आगे जाके बच्चों का अच्छे से अच्छा तैयारी करने के लिए, उनका प्रयास बढ़ाने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। थैंक यू। उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो अपने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका जो एजुकेशन की प्रयास जो पॉलिसी है और उनका शिक्षा देने का एक तरीका है, उनका जो धोरण है उसको हम यहाँ अवलंब कर रहे हैं, उनका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसके कारण जो बच्चों का परिसर साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चों लोग को स्कूल में सिखाने वाला जो टीचर्स है, पढ़ाने वाला टीचर्स है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। बच्चों को वहाँ फैसिलिटीज है या उनका प्रोटीन डाइट रहता है, प्रोटीन डाइट से लेकर उनका नोटबुक से लेकर उनके ड्रेस तक अच्छी तरह से हम बिफोर टाइम देने का प्रयास करते हैं। आप लोग तैयार हैं और कुछ एक्टिविटी के लिए? बिकॉज़ वी आर एक्सपेक्टिंग द गेस्ट एनी मोमेंट। वी आर एक्सपेक्टिंग द गेस्ट एनी मोमेंट। तो एक सिंपल सा टास्क ले लेते हैं आप लोगों, मैं सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब जो भी सही देगा, क्विज एक क्विज पूछता हूँ, जो भी क्विज का जवाब देगा मैं उसे ऑन द स्पॉट एक प्राइज दूंगा, राइट? ऑल द टीचर्स ऑल द पेरेंट्स पॉलिश होने का भी प्रयास किया जाता है। इसके कारण बच्चों को एकदम हेल्दी वातावरण रहने के कारण हमारे मेरा भाईंदर मुंशुल कॉर्पोरेशन के ये साल में 1500 से ज्यादा बच्चों ने ज्यादा एडमिशन ले लिया, जो हमारा पहला पट संख्या था, पहला जो हमारा टोटल था उससे भी 2000 से ज्यादा बच्चों लोग उसके अंदर एडमिशन ले रहे। इवन दो हमने स्मार्ट टीवी और प्लाज्मा टीवी स्कूल में जो बिठाया है उसके अंदर जो चल रहा है उसके कारण अभी 300-400 बच्चों ने अपना एडमिशन बढ़ाया है। तो अच्छी तरह से बच्चों को डाइट से लेकर साफ सुथरा से लेकर ड्रेस नोटबुक से लेकर उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाने और स्मार्ट टीवी डिजिटल स्कूल और क्लासरूम के साथ साथ हमारा लेबोरेटरी कंप्यूटर लैब ये सब सारी सुविधा देने के कारण मेरा भाईंदर मुंशुल इलाके में हमारे स्कूल में 1500 से ज्यादा बच्चों ने अपना एडमिशन बढ़ाया। बहुत अच्छी पहल है, मैं संस्था का और हसमुख भाई जिन्होंने स्पॉन्सर किया उस संस्था को साथ दिया ताकि इस तरह की एप्टीट्यूड ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक पहुंच सके। और
करीबन 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 30 से ज़्यादा स्कूल है। और जो जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हम कितना भी कहते हैं माँ बाप बच्चों को प्रेम में कहते हैं जो बच्चा करना चाहे वो करना चाहिए, इससे हम भी सहमति है, कोई उसे हर एक पालक, परंतु बच्चा किसी प्रभाव में आके निर्णय ले अपनी बुद्धि का उपयोग करके लिए, इसके एप्टीट्यूड टेस्ट अगर होते हैं तो वो संस्था जो उनको सही दिशा दे रही है कि उनका दिमाग क्या कह रहा है, उनका दिल क्या कह रहा है और उनका एडुकेशन क्या कह रहा है, ये सारे चीजें मिला के जो निर्णय होता है उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, ना ही कि दिमाग बोल रहा है इसलिए कर लो, दोस्त बोल रहा है इसलिए कर लो। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और हसमुख भाई ने पूरी ताकत के साथ उस स्पार्क ट्रस्ट को ताकत दी कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और इस शहर के बच्चे अगर भविष्य में कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित था, तो मैं तमाम बच्चों को मीरा भाईंदर की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, माता पिता का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का निर्णय लिया। पेरेंट्स को ये होगा कि पहले के जमाने में ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, आज देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक आ गई है जो बच्चों के मन की बात को जान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एडुकेशन ट्रस्ट है, तो बच्चों की मन को वो जान के अगर सही निर्णय उस पर चलेंगे तो आगे भविष्य में अच्छा होगा। आज हो सकता है शायद बच्चे थोड़े निराश हो, दुखी हो, लेकिन निर्णय तो पेरेंट्स को ही लेना, लेकिन दिशा दिखाने वाला कोई तो व्यक्ति चाहिए, तो ये संस्था और हसमुख भाई जो है दोनों मिलकर दिशा दिखाने का काम करें, इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका बच्चों का भविष्य ज्यादा उज्ज्वल होगा। और मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे और इसकी कदर करेंगे और बच्चों को सही दिशा और सही निर्देश देंगे इस तकनीक के माध्यम से। ऐसा था कि पहले हम हसमुख सर के साथ मिले कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, कि हसमुख सर को हमने इनिशिएटिव और हमारा प्लान समझाया कि हमें बच्चों के लिए कोच एप्टीट्यूड टेस्ट करना है पूरे मीरा भाईंदर में, ना कि पब्लिसिटी करना है। कोच एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए करना था कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमने जो सेट किया था, जो कि पेरेंट्स अपने 10th के बाद बच्चों को लेके जब काउंसलिंग सेंटर जाते हैं जिधर वो पे करते हैं, तो यही हमने हसमुख सर को बताया था कि पेरेंट्स जब पे करते हैं तो हसमुख सर का ऐसा कहना था कि जो हसमुख गहलोत सर एक्स डेप्यूटी मेयर, उनका ऐसा कहना था कि क्यों पेरेंट्स हमारे मीरा भाईंदर के बाहर जाए, मीरा भाईंदर के पेरेंट्स बाहर नहीं जाने चाहिए, हम खुद ही भाईंदर मीरा भाईंदर मिलके पूरा कंडक्ट करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोच एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से कंडक्ट किया था, जिसमें जो क्वेश्चन हमने रखे थे बच्चों के लिए, जो हमने क्वेश्चन रखे थे वो सेम जो काउंसिलिंग होता है वही टाइप के क्वेश्चन रखे थे, लर्निंग, रीजनिंग, लॉजिक, ना कि हमने पब्लिसिटी किया था। दूसरी चीज, उसके बाद हमने हमारे बच्चों को, पूरे मीरा भाईंदर के बच्चों को, जैसे 10th की एग्जाम नजदीक तो उनको शॉर्ट रिविजन के नाम से, मैथ्स और साइंस के नाम से एक बुक दी थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, और वो हमारी पूरी टीम ने, स्पार्क साइंस एकेडमी की टीम ने पूरा एक ईयर, पूरा एक साल बैठ के वो बुक बनाई है। वो कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बुक में मिल जाएगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, वो हमारे एक एक स्टाफ ने, इन साइंस के, मैथ्स के एक एक स्टाफ ने बैठ के खुद से बनाया। कल हमने 25 स्कूल्स को टारगेट किया है, 25 स्कूल में हमारा कोच एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है। नियरली अबाउट अगर मैं बच्चों की संख्या बताऊँ तो 2500 से 3000, 2500 to 3000 स्टूडेंट तक हम पहुंचे हैं। उसमें से हमने टॉप 10% आप बोल सकते हो, जो हर स्कूल से किधर से टॉप 10, किधर से टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किए और उनका आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम 1 फरवरी को हमने रखा था 2023 को। ऐसे हमारे हसमुख सर ने भी स्पीच में कहा था कि इस बार तो हम 3000 तक लोगों तक ही पहुंचे, अगले साल हम नई नई करके 10000 तक, 10,000 पीपल तक पहुंचने की हम पूरी ट्राई करेंगे और ये हमारी आशा है। सिलेक्ट ऐसे करते हैं कि जो हमने सेक्शन दिए हुए लॉज पेपर में, लॉजिक, रीजनिंग, उसमें जिसको जैसे जैसे मार्क्स आते हैं कि अगर समझो कि ये अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, उसका रीजनिंग अच्छा है, तो उस हिसाब से उसको बताते कि तुम्हारा साइंस लेना है तुम्हें कॉमर्स लेना है, तुम्हें आर्ट्स लेना है। मार्क्स से नहीं, किस टॉपिक में मार्क्स ज्यादा आ रहा है उसका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा 50 में से 50 लाया तो मैंने 50 दे दिया तो वो साइंस लेगा, वैसा नहीं। साइंस में वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है मार्क्स, कॉमर्स में वो ला रहा है कि नहीं ला रहा, आर्ट्स में वो मार्क्स ला रहा है कि नहीं ला रहा, वो चीज़ है, और कुछ नहीं। विषय तो सब नॉर्मल आ रही है, ऐसा नहीं कि एक ही विषय है, बहुत विषय कॉमर्स की भी आ रही है, बहुत साइंस की भी आ रही है, आर्ट्स की कम आ रही है, ऐसा नहीं है, साइंस और कॉमर्स की आ रही है ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से पहले तो मैं सबसे पहले स्पार्क की टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके जितने भी टीचर से, उनके जो पेरेंट्स के, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक तकरीबन लास्ट 3 महीने से हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर स्कूल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक, जो देश का भविष्य है वो उज्ज्वल है और देश के भविष्य को एक उज्ज्वल दिशा मिले और दिशा के प्रयत्न हमने कर रहे हैं, और ताकि जो बच्चे उसमें सफलता पा सके। और साथ ही साथ में
जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट में बच्चों ने किया, जितने भी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हुए या स्कूल ने योगदान दिया, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। तो अगर उनका सहयोग नहीं होता तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और माँ बाप का भी धन्यवाद जिन्होंने खुशी खुशी इस बात को उन्होंने हाथों में लिया और साथ में सहभागी हुए, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बारी आप लोगों की है, आप भी इस विषय को लेकर लोगों तक पहुँचाए और लोगों तक बात पहुँचाए कि आने वाले भविष्य में कितनी जरूरी है, बच्चों को एक दिशा मिलती है और उसकी शुरुआत अच्छी होगी। 100% क्यों नहीं करूंगा। और जिस तरीके से आयुक्त मोदी जी ने कहा है कि अगली बार हम अपने बच्चों को स्कूल के महानगर पालिका के जो बच्चे उनको भी इसमें जोड़ें, इसलिए जोड़ेंगे कि महानगर पालिका के जो बच्चे हैं अभी फिलहाल 9th के और अगले साल 10th होगी तो हम उसमें 10th के बच्चों को जोड़ लेंगे। और ये हमारी खुशनसीब की बात है कि अगर बच्चे बच्चे होते चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हो चाहे किसी भी स्कूल से हो, उनको योगदान और उनका ध्यान और उनका दिशा होनी चाहिए जो हम वो काम मिलकर करेंगे। थे वो मान्यवर जिनके हाथों आज मीरा भाईंदर शहर के 10 उन चुनिंदा बच्चों को नवाजा गया, उन्हें शुभकामनाएं दी गई और सम्मानित किया गया जिन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया था इस फेस्ट में। हम आशा करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर की जितने भी स्कूलें हैं उन स्कूलों के तमाम विद्यार्थियों का इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। उन सभी विद्यार्थियों ने भी अपनी योग्यता को आजमाना चाहिए ताकि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल बना सके। साथ में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप भोले ने भी इस संस्था और डिप्टी एक्स डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत से विनती की है कि अगले साल जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उस टेस्ट में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो 34 सरकारी स्कूल है उन स्कूलों के बच्चों को भी इस टेस्ट में शामिल किया जाए ताकि मीरा भाईंदर शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य उज्ज्वल बन सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कृषि और साहिब शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।